अपनी बात कहने के लिए यहां आ रहा था तो मुझे पता चला कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हिमाचल प्रदेश में हो गया। 12 नवंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों के चुनाव की तारीखों की घोषणा एक साथ होनी थी, लेकिन हमारे देश की संस्थाओं को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है कि अकेले हिमाचल का चुनाव घोषित किया गया, गुजरात का चुनाव इसलिए नहीं घोषित किया गया क्योंकि 30 तारीख तक मोदी जी का कार्यक्रम लगा हुआ है गुजरात में। ये हालत है। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, इतना क्यों डरते हो आम आदमी पार्टी से, इतना क्यों डर लग रहा है तुमको? गुजरात की जनता अपने वोट के ताकत से भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। चुनाव इतना टालना चाहो टालना। तो भाजपा क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने इनका हिंदू मुसलमान की राजनीति वाली दुकान सटर कह दिया। आपको स्कूल अस्पताल में बात करना होगा तो उस पर कहते हैं हम तो पढ़ेंगे नहीं आए रहे, कैसे परीक्षा दे? ये तो गलत क्वेश्चन आ गया। हम तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की किए थे, स्कूल अस्पताल पूछ रहे केजरीवाल जी, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। जैसे ही गुजरात में पहुंचे, दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद रोज ईडी भेजते हो, रोज सीबीआई भेजते हो, रोज दिल्ली पुलिस भेजते हो। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, 24 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ऊपर किया है, 2400 मुकदमे कर लो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को उठा उठा के जेल में डालो, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, इस देश के आम आदमी की जीत होगी। हमको मुकदमों और FIR से मत डराओ। ये बहुत मुकदमे और FIR देखे हमने। अभी क्या कर रहे हैं? जब चुनाव में हार जाते हैं तो विधायक खरीदते हैं। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी हालत हो गई है। बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, दूल्हा बिकता है, कांग्रेसी कह रहे हैं विधायक बिकता है, उनकी बोली लग रही। गोवा में बिक जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बिक जा रहे हैं, कर्नाटक में बिक जा रहे हैं, गोवा में बिक गए 8 विधायक। 9 सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में तोड़ तोड़ के बनाई है, तोड़ तोड़ के। महाराष्ट्र में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, कर्नाटक में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, अरुणाचल में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, पूरे हिंदुस्तान में खाली सभी गोवा में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, पूरे हिंदुस्तान में खाली विधायक तोड़ के सरकार बना ली। और क्या कहते हैं ये बेईमान? कहते हैं ये ऑपरेशन लोटस है। एक इतनी दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी कहने वाली पार्टी, वो अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर भ्रष्टाचार का ऑपरेशन चला रही है। कह रही है ऑपरेशन कमल है, ये कपल विधायक खरीद रहे हैं। हमसे एक बार एक टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह जी, विधायक हम लोगों ने कहा और कैसे खरीदा मुझे बताइए। मैंने कहा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हाफिज सईद कहे कि कहां आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया, हमको बताइए। डाकू गब्बर सिंह अगर आपको कहे कि बताइए हमने कहां डकैती डाली, तो भाजपाई अगर कह रहे हैं, मैंने कहा तुम लोग इतने भोला बालक बन गए, तुम्हें पता नहीं तुमने महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाई, तुम्हें पता नहीं गोवा में कैसे विधायक तोड़ा, तुम्हें पता नहीं कर्नाटक में कैसे तोड़ा, तुम्हें पता नहीं कैसे मध्य प्रदेश में तोड़ा, क्या रामायण का श्लोक सुना के तुम विधायक तोड़ते हो?
अरे हजारों करोड़ के धंधेबाजी करके तुम विधायक तोड़ते हो, मंत्री का लालच देके तुम विधायक तोड़ते हो, तुम्हारी ये राजनीति दिल्ली और पंजाब में चलने नहीं देंगे। और पंजाब में तो पूरी सरकार है, वहां पुलिस है, भाजपाइयों अगर वहां विधायक खरीदने जाओगे तो पकड़ के तुमको जेल में भी डालेंगे, जेल में भी डालेंगे। तो साथियों, इनसे आप किसी न्याय की, किसी अच्छे काम की उम्मीद मत कीजिए। ये कौन सी पार्टी है, ये कैसे लोग हैं, मैं तो इनको कहता हूं कि ये अपशकुनी लोग हैं। अपशकुनी का मतलब कोई बात बोल दी, कोई बात कह दी, आपके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, हो गई वो घटना। और मुझे याद है ये ऐसी पार्टी है, केजरीवाल जी कहते हैं चुनाव जिता दो हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुम्हारे बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुम्हारे लिए सड़कें बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुमको फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान बनाने की बात पूरे चुनाव में कहते थे, शमशान बनाना है, शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। और इन अपशकुनियों ने, इन बेईमानों ने ऐसी भाषा बोली कि ऐसे अभागे लोग हैं ये कि लाखों की संख्या में कोरोना की महामारी में शमशान बन गया। हमारे गांव गांव में लोगों की मौतें हुई, नदी के घाट पर चील कौए कुत्तों ने उन परिजनों की लाशों को नोचने का काम किया। ऐसी अपशकुनी पार्टी को मिलकर हराने का काम करना है, इनको जमानतें जब्त कराना है और इनसे कहना है हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहिए। अब 3-4 मिनट मेरी अंतिम बातें ध्यान से सुन लेना। ये बातें तो मैंने तर्क की दी जो जनता के बीच में जाकर आपको कहना है और भारतीय झूठा पार्टी से लड़ना है, उनके झूठ को उजागर करना है, लेकिन ये काम करने के लिए आपको मजबूत संगठन की जरूरत है साथी, जनता के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। आज से ही जुट जाना, अपने अपने इलाकों में सदस्यता अभियान चला के हर वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आवेदन फॉर्म आपके पास पहुंच गया है, आवेदन भरिए। जो अच्छे कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका आवेदन भरवाइए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए जाए जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे या पहले नंबर पे थे, जो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब जीतने के बाद आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है, मजबूती बढ़ रही है। उनका फॉर्म भरवाइए, सदस्यता अभियान चलाइए, अपना संगठन विस्तार कीजिए, बूथ की कमेटियां बनाइए, बूथ की कमेटी के नीचे 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए, अपने शहर में जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो बदहाल स्कूल हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसका एक बैनर बना के शहर का जो फ्लाईओवर हो वहां पर उस बैनर को लटका के 2 घंटे खड़े हो जाइए, नगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम एक एक कार्यकर्ता को करना है। हर शहर में लड़ाई छेड़ दीजिए, संघर्ष करिए। नगर पालिका में हाउस टैक्स का भ्रष्टाचार, नगर पालिका में वाटर टैक्स का भ्रष्टाचार, नगर पालिका में सड़कों के नालियों के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार, नगर पालिका में मजदूरों को भर्ती करने के नाम पर भ्रष्टाचार। कागजों में मजदूर रहता है लेकिन वास्तव में मजदूर नहीं रहता, उसके नाम पर चेयरमैन और मेयर पैसा निकालकर खाते हैं।
ये सारे भ्रष्टाचार उजागर कीजिए, संगठन का निर्माण कीजिए, तिरंगा शाखाएं जो हैं, हर रविवार को तिरंगा शाखा लगनी चाहिए। अपने शहर का कोई भी बड़ा पार्क हो, कोई भी गंदा स्थान हो, वहां पर जाइए, सफाई कीजिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाइए, रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हर रविवार को 2 घंटा देश के लिए आप लोग जरूर निकालिए, लोगों की सेवा के लिए। हम हर समय हर दिन राजनीति नहीं कर सकते, कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ अच्छे कार्य भी हमको करना है। इसलिए साथियों और दोस्तों, जाइए और आज से ही संकल्प लेके, दिन रात मेहनत करके, काम करके अपने पार्टी को खड़ा कीजिए, चुनाव में मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारिए, आरक्षण का इंतजार मत कीजिए, संगठन बनाइए, संघर्ष कीजिए, जिसके भी नाम का आरक्षण होगा उसका एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना है, संगठन की शक्ति से अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है। संगठन की शक्ति से अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सबका सहयोग लीजिए, सबसे कहिए अपने जिले में पार्टी का प्रचार करें। हमने बैनर होर्डिंग दिनेश पटेल जी से कह के भिजवाया है आपको। दिनेश पटेल जी जो हमारे निवर्तमान महासचिव हैं, उनसे मैंने कहा कि सबको आप एक डिजाइन भेज दीजिए अपनी फोटो के साथ, सारे लोग अपने शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे बताओ। अगर अकेले नहीं लगा सकते तो 4 लोग चंदा करके लगाओ, लेकिन पार्टी का प्रचार गली मोहल्ले में दिखना चाहिए। 15-20 दिन के अंदर पूरा शहर, पूरा जिला ये जान जाए कि इस बार भाजपा से, जैसे गुजरात में लोग जान गए कि भाजपा से अगर कोई लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में भी लोग जान जाए भाजपा से कोई लड़ाई है तो सीधे लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और आज आपकी मौजूदगी देख के मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी उपस्थिति, आपकी संख्या को देख के मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लड़ाई बहुत आसान है। आप मेहनत कीजिए, आप चुनाव पक्का जीतेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। मेहनत करना, 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए, उस व्यक्ति को कहिए कि उन्हें 30 घरों में अपना संपर्क बना के रखे, लोगों के पास जाए, उनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसके लिए काम करें। आज हम सत्ता में नहीं है, सीधे मदद नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष का रास्ता बड़े बड़े कामों को करवाता है। संघर्ष से बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाती है। आम आदमी पार्टी के जब 3 MP थे तब भी, और जब अब 10 की संख्या हो गई है तब भी, जो आम आदमी पार्टी सदन में बोलती है उसको पूरा देश सुनता है। इसलिए हर जिले में आपकी अलग पहचान होनी चाहिए। थाने पे जाओ, SP के दफ्तर में जाओ, 10-20-50 कार्यकर्ता टोपी लगा के जाओ, हर आदमी आपकी बात को सुनेगा। संघर्ष कीजिए अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए। और साथियों और दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, और जब हम कहते हैं कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं तो ये सड़ी गली राजनीति, ये भाजपा कांग्रेस सपा बसपा की जो राजनीति है, इस राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी की राजनीति को हमको सत्ता के केंद्र में लेकर आना है, आम आदमी को हमें ताकतवर बनाना है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि धर्म के नाम पर भेद अब नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर झगड़े अब नहीं चलेंगे, हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे बनेगा, इंसानियत की बुनियाद पे बनेगा, भाईचारे की बुनियाद पे बनेगा, एकता की बुनियाद पे बनेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बन सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को नेता मान ले, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अपने इलाके का अरविंद केजरीवाल मान ले,
एक एक कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेगा तो हमने तो बहुत छोटे से शुरुआत की थी, आज इतना